आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आयुर्वेद समाधान में आज हम आपको बताएंगे भीगे ओट्स के फायदों के बारे में। नाश्ते में ओट्स खाना आपको पसंद होगा, इसके लिए आप ओट्स को रात में अपने मनपसंद लिक्विड जैसे दूध, पानी, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, दही आदि किसी एक में भिगोकर रख दें। सुबह ये फूल जाएंगे। इसके बाद इसमें अपने मनपसंद फल यानी केला, अंगूर, अनार, पाइनएप्पल, कीवी, संतरा, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज और नट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, गरी, मखाना, अखरोट आदि को काट कर डालें और इसे आप खाएं। तो क्या होगा, ये आपकी सेहत को कई गुना फायदा पहुंचाएंगे। दूध, पानी या दही में भीगे हुए ओट्स आंच में पकाए गए ओट्स से ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। रात में भिगोकर रखे गए ओट्स सुबह इतने मुलायम हो जाते हैं कि इन्हें खाया जा सकता है। इसके अलावा आंच में कोई भी खाद्य पदार्थ पकाने से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। रात में भिगोकर खाने से ओट्स बहुत धीरे धीरे लिक्विड को सोखते हैं, जिससे ओट्स और लिक्विड दोनों के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। लंबे समय तक भीगने के कारण ओट्स में मौजूद स्टार्च टूट जाते हैं, जिससे ओट्स में साइट्रिक एसिड कम हो जाता है, इससे ये आसानी से पच जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो तेजी से आपका वजन घट सकता है, क्योंकि रात में भिगोकर ओट्स खाने से आपका वजन तेजी से कम होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका कारण ये है कि ये ओट्स आंच में पकाए गए ओट्स के मुकाबले ज़्यादा सुपाच्य और फाइबर युक्त होते हैं। फाइबर ज़्यादा होने के कारण आपका पेट देर तक भरा रहता है, आंतों की गंदगी साफ हो जाती है और आप ज़्यादा चर्बी घटा सकते हैं। चूँकि इस ओट्स में स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ये शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे खाते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल घटेगा और दिल की बीमारियां कम हो जाएंगी। सुबह के नाश्ते में ओट्स खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ओट्स खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज में भी फायदेमंद होता है, इसलिए दिल की बीमारियां ओट्स खाने से दूर रहती हैं। दोस्तों, लेकिन जो भी शुगर पेशेंट हैं वो ये प्रयोग ना करें, बाकी सब के लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।